आज हम लोग प्रैक्टिस सेट S19 सॉल्व करने जा रहे हैं। यह पेपर आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा टेलीग्राम है मैथ सवाई सौरभ खरे, उसकी लिंक दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल परक कोचिंग ऑफिशियल के नीचे, ठीक है ना। वहां से आप प्राप्त कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 6 8 4। पहला क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू इन 684.375। मैं 5 का प्लेस वैल्यू, 5 का स्थानीय मान निकालना, क्या निकालना है, 5 का स्थानीय मान निकालना है। अगर हम लोग 5 का स्थानीय मान निकाल ले जाएं तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, बस ये 5 है, दशमलव अलग कर दो इसको, यहां क्या लिख सकते थे, अब 5 के अगर 5 को लिया जाए तो आगे वाले को छोड़ दो तो 5/1 कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 5/1000, बस ऐसा करना है। नीचे अगर है तो 1 2 3, 5/1 कितना हो जाएगा, 1000। आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तरन करने का तरीका ये हो जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखा, मान लो संख्या जो लिखी गई है 684.375, इसका मतलब है 1 2 3 1 2 3 0 किसके नीचे, अगर दशमलव किस तरफ है तो इस तरह इंटू गुणा होगा, अगर दशमलव के आप किस तरफ है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 और 3, 5/1 कितना हो जाएगा, 1000। जैसे अगर 6 का निकालना होगा, इन्होंने पूछा अगर 6 का निकालना होगा तो क्या होगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 2 0, कितने जीरो होगा, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 0, सैकड़ा के अंक पे कितना, 600 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 नंबर, दो नंबर में लिखा गया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 अंश है, यदि बीसी बराबर 25 है तो माध्यिका एडी की लंबाई क्या है। तो माध्यिका एडी की लंबाई निकालना है, एक त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री है, एक कोण आपका 90 डिग्री है, ए वाला कोण आपका कितना है 90 डिग्री है, एक कोण आपका कितना है आपका 90 डिग्री है, और आगे क्या कह रहा है, बीसी 25 है, बीसी इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, हाइपोटेनस उसका कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यार माध्यिका की लंबाई बताइए। आप ये समझिएगा माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे अगर वृत्त, एक वृत्त खींचे क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का कोण क्या हो जाएगा आपका समकोण हो जाएगा। अगर इसकी अब यहाँ पे रेडियस बनाए, यहाँ पर रेडियस बनाए इसकी, तो ए वाली रेडियस और ए वाली रेडियस कैसे होगी, बराबर होंगी, ये क्या हो जाएगी आपकी सरकम सेंटर हो जाएगा, सरकम रेडियस सरकम सेंटर हो जाएगा ये वाला, और ये सरकम रेडियस हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी नहीं होंगी। अब अगर देखा जाए तो आप समझ गए होंगे ये क्या हो जाएगा आपका, सरकम रेडियस हो जाएगी, तो ए वाली त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ये तीनों त्रिज्या, तो आपका 25 क्या हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएगा 12.5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये 12.5 हो जाएगा 12.5, ये भी कितना हो जाएगा 12.5। तो ही कह रहा था इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, इसकी जो माध्यिका की लंबाई होगी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखें, अगला नंबर है 3 नंबर, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, पहले भी त्रिभुज लिखा के बाद में भी, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जहां कोण बी समकोण, बी अधिक कोण है, एडी सीबी पर लंब है जिसे डी तक बढ़ाया गया है, यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो एसी का मान क्या होगा। अगर देखें एक त्रिभुज लिया गया है, बी कोण अधिक कोण है, बी कोण अधिक कोण है, तो अच्छा इसका अधिक कोण बनाइए, बी कोण को अधिक कोण बनाइए, ऐसा बना दीजिए, बी कोण कैसा है आपका, अधिक कोण है, ए हो गया जी, बी हो गया जी, सी हो गया, बी कोण क्या है, अधिक कोण है, आगे लिख रहा है एडी सीबी पर लंब है, एडी सीबी पर सी को बी तक आगे बढ़ाया गया तो यहां पे क्या है, लंब है, एडी लंब है, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, 90 डिग्री हो गया। आगे लिख रहा है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 है, ए बी 8 है, बी सी 7 है, बी सी 7 है और बी डी 4 है, बी डी कितना है, 4 है,
तो पूछ रहा है एसी का मान कितना होगा, क्या पूछ रहा है एसी का मान क्या होगा, एसी निकालना है इसका मान। पहले अगर हम इस वाले इसमें लगाएं तो इसमें पाइथागोरस लगाएं त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाने जाएं तो क्या निकालेंगे, एडी निकाल सकते हैं। एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एबी के स्क्वायर में से डीबी के स्क्वायर घटा देंगे, एबी के स्क्वायर में से डीबी के स्क्वायर घटा देंगे, मतलब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे 64 में से 8 का स्क्वायर कितना 64 में से कितना 16 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 16, क्योंकि हाइपोटेनस कारण में से तो कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 4 48 आ जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48। अभी एडी मत निकालिएगा, एडी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48 आ गया। अगर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, अब इसकी चाहिए तो अब हम लोग फिर से लगाएंगे त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज में लगा देंगे हम लोग देखो, अगर अब हम लोग त्रिभुज की बात करें ए डी सी में, कौन से में ए डी और सी में, ए डी सी में लगाएंगे तो ए डी सी में क्या होगा, ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग, मतलब ए सी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग होगा ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग कितना है 48, एडी का वर्ग और डी सी कितना हो जाएगा 7 4 11 11 11 कितना हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 169 ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर हो जाएगा 13, ए सी की जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी 13। या अधिकोण प्रमेय लगा सकते, डायरेक्ट अधिकोण प्रमेय आप लगा सकते, लेकिन अब उसको याद करना पड़ेगा, तो अब इसको एक बार पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, एक बार पाइथागोरस यहाँ पे लगा दो तो हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, चार नंबर बहुत आसान सवाल है दिया गया है, 84 रुपये के लाभ को ए और बी के बीच 1:3 1:4 ए और बी का जो रेशियो दिया गया है 1:3 1:4 1:3 कितना दिया गया 1:4, तो यहाँ पे हम लोग ए रेस टू बी कितना हो जाएगा, भैया एलसीएम लेकर कितना कर देंगे 4 3 12 मतलब 4:3 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए रेस टू बी बराबर 4:3। पूछ रहा है तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा, उनके लाभों का कुल लाभ कितना था 84 था, लाभों का अंतर 84, लाभ का अंतर निकालना तो डिफरेंस निकालना, तो क्या निकालेंगे 84 का डिफरेंस कितना आएगा 1 का बटे कितना टोटल कितना हो जाएगा 7 12 7 84 कितना आ जाएगा लाभों का अंतर 12, कितना हो जाएगा 12, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आपका सी वाला, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँच नंबर सवाल लिखिए देखिएगा, पाँच नंबर सवाल में लिखा गया एक दुकानदार एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक की कीमत पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है, यदि वस्तु को 25% की छूट के बाद बेचा जाए तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हम लोगों ने अंकित मूल्य वाले बताया था आपको करना क्या है, देखो एम पी एस पी और सी पी पूरा खेल इसी पर करिएगा, इसी डायग्राम पर पूरा खेल चलता है, क्या हो जाएगा एम पी एस पी और सी पी। एक दुकानदार एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक कीमत पर बेचकर, मतलब क्रय मूल्य से कितने रुपये अधिक कीमत पर बेचता है 150 रुपये, ठीक है, और कह रहा है 20% का लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ अर्जित करता है, आगे लिख रहा है 25% की छूट के बाद बेचा जाता है, 25% की छूट के बाद बेचा जाता है, 25% की छूट 25% का डिस्काउंट, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा ये समझिए। अगर आप इसको 100 मान लो, सबसे पहले तो आप इसको 100 मान लो, है ना, अनुपात में जो हम सर्किल के अंदर कर रहे हैं अनुपात में, 20% का लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, रेशियो चलने लगेगा, ये 100 हो गया कितना हो गया 20% लाभ 120 हो गया, 120 के यहाँ क्या करेंगे हम लोग 120 एम पी का अंकित मूल्य किस इंटू 100 बट डिस्काउंट कितना दिया गया 25 का 75, एम पी का अनुपात मान कितना होता है 100, सी पी का अनुपात मान कितना होता है 100। अगर हमें देखो याद रखिएगा दो बातों को,
अगर एमपी और एसपी लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा, अग्रम के 20% का डिस्काउंट होता है ऐसा लिखा गया, और एमपी दिया गया मान लो 500, एमपी दिया गया 500, तो एसपी कितना होगा 500 का 20% डिस्काउंट कितना होगा 80 बटे कितना लिखेंगे 100, लिखेंगे नहीं लिखेंगे 20% डिस्काउंट 80 बटे क्या लिख सकते हैं 100, लिख जाएगा नहीं लिख जाएगा, अगर 500 रुपया दिया गया 20% डिस्काउंट तो एसपी कितना होगा 500 का 80 बटे 100। दूसरा केस देखो, अगर ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा लिखा हो एमपी और एसपी, एमपी दिया हो मान के चलो, मान लो यहाँ पे दिया है जो भी आ गया आपका 400 आ गया था, 400 दिया हो 20% डिस्काउंट है, तो एसपी एमपी कितना होगा, अब एमपी कितना होगा कैसे निकालेंगे एमपी के लिए, हम क्या करेंगे 400 का अनुपातिक मान कितना होता 100 होता है, एमपी की ओरिजिनल वैल्यू किस पे होती 100 पे होती, 20% डिस्काउंट यहाँ कितना कर देंगे हम लोग 80, 8×5=40 कितना आ जाएगा 500, समझ रहे बात को, अगर ये कॉन्सेप्ट आता तो बहुत तेज सवाल आपके लगेंगे, मतलब ऊपर से नीचे सबको, नीचे से ऊपर, आपने देखा 120 था, 120 का कितना कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू कितना कर देंगे 75, आपको क्या करना था 25×75, 25×4 कितना हो जाएगा 100, 3×4=40, 4×4=60, 160 अनुपात में चल रहा था, क्या चल रहा सब अनुपात में चल रहा था। अगर अब हम आप देखें एक बात को, अगर आप एक बात देखें 100 से 120 हुआ आपका व्यक्तिगत मूल, 160 हो गया अंकित मूल, अब क्या पूछ रहा था कि 100 से यहां तक की वैल्यू 20 की वैल्यू कितनी है 150, 20 की वैल्यू कितनी है 150, 160 की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा गया अंकित मूल पूछा गया, 20 की वैल्यू, अगर 20 का जो अनुपातिक मान है वो 150 दिया गया है तो पूछा गया 160 का अनुपातिक मान कितना होगा, 160 का तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160, तो 20 दो अट्ठे 16, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, तो 15×8=120 मतलब कितना आ जाएगा 1200, यहाँ मत लगाइएगा है ना, यहाँ पे सर्कल मत करिएगा क्योंकि ये वैल्यू दी गई है, यहाँ हो जाएगा कितना आपका ये 150 160 था, कितना था ये 20 का मतलब 160 की वैल्यू निकालना, ठीक है 160 की वैल्यू निकालना है, तो 20 का मतलब 20 का मतलब कितना है 20 की वैल्यू कितनी 150, तो 160 की वैल्यू कितनी होगी, 160 की वैल्यू कितनी होगी निकाल लो कितना हो जाएगी, फिर से समझिए इसको थोड़ा सा, तो 20% की वैल्यू दी गई है, 20 की वैल्यू दी गई है 150, 20 की वैल्यू 150 है तो 160 की वैल्यू निकालना, 160 किलो निकालना, 20 का मतलब 150 है, 160 का मतलब कितना होगा यही बात निकालना है, इसका 8 का गुणा कर दूँ, 20×8=60, 15×8=120 कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200, बात के लिए हो पा रही, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिएगा, छठवां नंबर लिखा गया √80 − 112/√45 80 को कितना लिख सकते 16×5=80 कितना लिख सकते 16×5=80 16 को क्या लिख सकते 4√5 और 112 को 16×112 16 का 4 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 4√7 यहाँ बचेगा 9×5=45 √5 और 9×7=3√9 √7 बचेगा ऊपर 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √5 − √7 नीचे बचेगा 3 कॉमन √5 − √7 ये कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा कितना 4/3 और 4/3 को लिखते हैं 3×1=3 एक सही 1/3 हो जाएगा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा सात नंबर में क्या लिखा गया सात नंबर लिखा गया थीटा की जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू है वो जगह 0 से बड़ी है या बराबर है या 90 के बराबर या छोटी है पूछा गया 3cos θ + sin θ बराबर 2 तो थीटा कौन बताना भैया थीटा की वैल्यू क्या होगी इसके बीच में होगी
थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री 60 रखो, 60 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 60 कॉस 60 एक बटे दो तो रूट थ्री तो रहेगा ही, कॉस 30 रख दो। अगर कॉस 30 रखेंगे कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6 रख दो प्लस साइन पाई बाई 6, यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 3, इसका हो जाएगा रूट 3 बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 6 का इक्वल। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए था 3/2 प्लस 1/2 बराबर 4/2 बराबर 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल था। सी सिविल का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। आठ नंबर लिखा गया है, संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 20 संतरे कमाने लगे, एक संतरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था, एक संतरे का प्रारंभिक मूल्य कितना था। आप इस कंडीशन में दो सवाल बनते हैं, एक तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या मूल परिवर्तन की बात पूछेगा कि बदलाव की बात क्या मूल्य होगा या अंतिम मूल्य पूछेगा। तो आप याद रखिए दो सूत्र आपको याद रख लेना है इसमें, प्रारंभिक मूल्य बराबर अगर ए रुपये में एन वस्तुएँ आती हैं, एन वस्तुएँ कम या ज़्यादा आती हैं, ए रुपये में एन वस्तुएँ कम या ज़्यादा आती हैं, एक्स परसेंट का लाभ या हानि होती, तो यहाँ होता है एक्स प्लस माइनस, इसको लगाना है ए बटे एन इंटू एक्स बटे कितना हो जाएगा प्लस 100 प्लस माइनस एक्स। अंतिम मूल परिवर्तन के बाद मूल क्या होगा, अंतिम मूल क्या होगा, ए बटे एन, ए रुपये में एन वस्तुएँ कम या ज़्यादा आने लगती हैं, इंटू कितना हो जाएगा एक्स बटे 100, एक्स बटे क्या हो जाएगा 100। अब याद कैसे रखेंगे इस बात को समझिए, जैसे कोई व्यापारी है मान लो कोई सामान लाया, मान लो साड़ी वाला व्यापारी है, साड़ी वो सूरत या गुजरात से कहीं से साड़ी लाया, अगर साड़ी लाता है तो पहले वो ग्राहक के सामने परिवर्तन करता है मूल्य का नहीं, पहले ही कर लेता हो, सूरत से मान लो 500 की साड़ी लाया उसने, यहाँ 700 रेट डाल लिया, अपने प्रारंभ में ही उसने चेंज कर लिया, जो चेंज करेगा तो क्या करेगा 100 प्लस माइनस एक्स कब होना है, शुरुआत में, जब ग्राहक के सामने साड़ी जाएगी तो कोई बदलाव करेगा नहीं करेगा, वो सारा एक रेट है दुकान, इस तरीके से याद रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं सूत्र, याद हो जाएगा ना। प्रारंभिक में बदलाव होना है, प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाना, बदलाव हो सकता है, जीवन में होता है, शुरुआत में जैसे नया लड़का कोई तैयारी करने आया तो पहले वो एसएससी कर लेगा, फिर मान लो उसको मन नहीं लगा एसएससी में आईएएस कर लिया, बदलाव, लेकिन एक समय बाद वो बदलाव नहीं कर सकते, जब उसकी तैयारी बहुत चरम सीमा तक हो जाए अंतिम समय में बदलाव करना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो प्रारंभिक वाले मूल्य में क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स, और अंतिम वाले में डायरेक्ट क्या करना है 100, याद रहेगा ना। अब इसमें पूछा क्या गया था, संतरे के मूल्य 25% वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 20 संतरे कमाने लगे, 400 रुपये में 20 संतरे कमाने लगे, तो पूछ रहा है तो संतरे का प्रारंभिक मूल्य, ये वाला सूत्र लगाना है हमको, प्रारंभिक मूल्य चाहिए है, तो 400 रुपये में 20 संतरे कमाने लगे तो बटे 20 कर दो, इंटू 25% की वृद्धि हो गई, 25 तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 25, अगर कमी होती तो कमी करते प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, कितना आपका 400/20 इंटू 25/125, 25×5=125, 20×20=400 और 5×20 4 रुपये प्रति संतरा, 4 रुपये प्रति संतरा, जिसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो 4 रुपये प्रति संतरा था। गलती बस ये ना कर देना प्रारंभिक को अंतिम, अंतिम में प्रारंभिक न बदल देना, प्रारंभिक में यहाँ प्लस माइनस होता है, प्रारंभिक में प्लस माइनस होता है और अंतिम वाले प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल लिखा गया 9 नंबर, लिख रहा है 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2, ये सवाल लिखा गया, इसको सॉल्व करना था, कह रहा था सरल करे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। देखो याद रखो बॉर्ड मास कौन करते हैं हम लोग, बॉर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रेड ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब क्या होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन भाग डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन क्या होता है घटाओ। आपको याद क्या करना, सबसे बड़ा मामला इसमें क्या रहता है, यहाँ देखिए ये होता है डिवीजन,
यह होता है भाग, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है ऑफ, मतलब ये होता है भाग, ये होता है गुणा, ये होता है का। अगर आप एक समझ देखें, का और गुणा दोनों बातें एक ही होती नहीं होती हैं, का और गुणा दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। लेकिन गणितज्ञों ने क्या किया, अगर उनको भाग से पहले गुणा करना था तो वो उनका यूज कहां करते थे, का यूज करते थे। अगर भाग से पहले गुणा करना तो किसका यूज करते थे, वो का यूज करते थे। भाग के बाद गुणा का यूज करना तो मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह करते थे। बात क्लियर हो पा रही है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा कायदे से। डिवीजन के पहले अगर हमको गुणा करना है तो हम ऑफ लगाएंगे, डिवीजन के बाद अगर गुणा करना है तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई के लगेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। और ब्रैकेट जो खुलते हैं, ये ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुलते हैं अंदर से बाहर को, पहले ऐसा, फिर आपका ए कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, मझला कोष्टक, ये आपका बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर भी एक होता है, एक ब्रैकेट और होता है। कौन सा ब्रैकेट होता है, वाला बार ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमेशा अंदर से बाहर की ओर खुलते हैं, कहां खुलते हैं, अंदर से बाहर की ओर खुलते हैं। ब्रैकेट कैसे खुलते हैं, अंदर से बाहर की ओर। तो इस बार अगर देखें हम लोग इसको, अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस दो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ बचेगा इतना। अब चार दूनी आठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ, तो यहाँ टू माइनस टू माइनस टू, चार दूनी कितना आ जाएगा आठ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास टू माइनस टू, चार आठ प्लस दो हो जाएगा छः, और छः माइनस का छः माइनस छः कितना हो जाएगा प्लस छः, और यहाँ हो जाएगा टू माइनस आठ बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स, कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, तो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए दस नंबर, दस नंबर में क्या लिखा गया, पी का 5% 10 है, पी का 5% परसेंट वन होता है, पी का 5% परसेंट कितना कह रहा है, पी का 5% 10 है भैया, पी का 5% परसेंट वन होता है 100, एक बटे 100 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये बिल्कुल ठोस सवाल है, इस तरीके से लगाना, पी बराबर हो जाएगा 200, 5% बराबर 100, तो 20% बराबर 100% बराबर 20 पंच 10, 20 का गुणा इसमें कर दें 200 हो जाएगा, कितना हो गया 200। इसके बाद कह रहा है क्यू का 10%, क्यू का 10% 5 है, क्यू का 10% कितना है 5, तो क्यू का 10% 5 है, 10/100 इंटू बराबर कितना होगा 5, क्यू बराबर कितना आ जाएगा 50। अब देखो जिस जिस बात सब दिमाग में कर सकते हैं, 5% 10 से 100% 200 होगा, याद रखिएगा 10% 5 है 100%, 10% 5, 10 100 पचम 50। ए और काम करने का बहुत, इसमें ऐसे नहीं हमने लिख के लगाया तो आप भी एग्जाम पे लगाएं, करना क्या था, 5% 10 100% 200 होगा, 10% 5 100% 50 होगा, बस आगे लिख रहा है R Q बटे P के बराबर है, जो R है कह रहा है, जो R कह रहा है वो Q बटे P के बराबर है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 50 और पी की वैल्यू आ गई 200, 5 × 20 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए 11 नंबर, 11 नंबर, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, 22 रोगियों को मधुमेह है और उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी, एक हॉस्पिटल की बात कर रहा है, दो चीज़ें हैं इसमें, दो सर्कल बना लो, ठीक है। एक में है मधुमेह डायबिटीज के लोग हैं, एक में ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं। मधुमेह रोगियों की संख्या कितनी है, डायबिटीज 40, मतलब डायबिटीज की कितनी है 40, और
रोगियों की संख्या और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो कितना है 30 रुको। ये पूरा सर्कल काम करेगा इसका। अब वो कह रहा है 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। अब देखो यहाँ पे समस्या शुरू होती है, ये दोनों है जिसको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो कौन सा है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे कितने लोगों को, 22 लोगों को, कितने लोगों को हो जाएगा 22 लोगों, बात क्लियर हो पा रही। अब पूरा सर्कल डायबिटीज का 40 का था, पूरा सर्कल डायबिटीज का 40 का था, तो इसका अंदर वाला कितना बचेगा 18 का बचेगा, कितना बचेगा, ये 18 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ डायबिटीज है, 18 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ क्या है डायबिटीज है, और अगर 30 में से 22 घटाएंगे कितने लोग हैं 8 लोग, 8 ऐसे लोग हैं, 8 ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं जिनको केवल हाई ब्लड प्रेशर है। अब अगर आप दो विषय की परीक्षा देते, याद रखिएगा अगर हमें थोड़ी सा समझें, अगर आप मैथ और इंग्लिश दोनों दो विषय की परीक्षा देते तो आप दोनों में पास हो सकते हैं, मैथ में पास हो सकते हैं इंग्लिश में फेल हो सकते हैं, और मैथ में फेल हो सकते हैं इंग्लिश में पास हो सकते हैं, और दोनों में फेल हो सकते हैं। चार कंडीशन का योग ही आपका 100% होता है, चार कंडीशन का योग ही क्या होता है 100% होता है। देखो यहाँ पे जो है वो डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, दोनों सही है। यहाँ डायबिटीज तो है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ क्या है आपका ब्लड प्रेशर तो है, ये ब्लड प्रेशर तो है लेकिन डायबिटीज नहीं है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात कर ले रहे हैं हम लोग ना, हाई ब्लड प्रेशर। अब एक कंडीशन ऐसी होगी इसके आरएक के बाहर होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं है और आपका डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है और डायबिटीज नहीं है, ऐसे लोग कितने हैं 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, ऐसे लोग 17 हो गए। इन चार कंडीशन का योग ही टोटल कहलाता है, इन चार कंडीशनों का योग क्या कहता था टोटल कहलाता है, क्या कहलाता है टोटल या 100%। तो आप देखें कितना हो जाएगा 18 प्लस 22 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 17, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 8 कितना 25, 2 1 3, 2 5 और 1 6 65 हो जाएगा। तो कुल जो मरीजों की संख्या है प्रतिरक्षारत मरीजों की संख्या कितनी होगी 65 होगी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बात क्लियर हो रही। अगला सवाल देखिए, बारह नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय 25% खर्च होता था। ये तो हम एक तरीके से लगा सकते हैं मूल्य गुणा खपत बराबर क्या हो जाएगा खर्च, मतलब प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन, जम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर ना, पीसी बराबर एक्स होता है। तो कह रहा है मान लो हमने इसको 10-10 मान, 100-100 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। आगे लिख रहा है तो वस्तु की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, यदि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, मूल्य में 10% की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा मूल्य इनका 90, मूल्य में 10% की कमी कर दी जा रही है, और कह रहा खपत में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय 25% कम हो जाए, 25% कम करना है भैया इसको, 25% कम करना, 25% कम कैसे होगा, 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% 1,000, 2,500 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,500 कम हो जाएगा 7,500 बचेगा, कितना बचेगा 7,500 इंटू, यहाँ पर मान लो एक्स 90 इंटू एक्स रहा कितना हो जाएगा 7,500, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स रहा हो जाएगा 7,500 बटे 90, 3 × 3=250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250/3। अब आपको रेशियो बना लेना, पहले कितना था 100 था, देखो बेटा पहले 100 था, अब रेशियो बना लीजिए, अब 250/3 हो गया, पहले 100 था परसेंटेज निकालना, पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 250/3, मतलब आपका 50 × 100 = 5, 6 से कितना हो गया 6 से 5 हो जा रहा, पहले 6 था अब कितना हो गया 5, 1/6 हो जाएगा, 1/6 × 100% कितना 16×96, 16 × 2/3% 16 × 2/3% हो जाएगा, 16 × 2/3% एक आप सक्सेसिव का सूत्र भी लगा सकते थे सवाल में, सक्सेसिव वाला सूत्र अगर देखें हो गया ये वाला, तो अगर आप देखें सक्सेसिव का फॉर्मूला जो होता है प्लस माइनस एक्स
प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे सौ बराबर प्लस माइनस है। एक्स क्या है? जब दो चीज़ों का गुणनफल तीसरी चीज़ पर निर्भर करता है तो वहाँ सक्सेसिव लगने लगता, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे हंड्रेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। पहले वाले में कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर 10% की कमी कर दूँ। दूसरे वाले मालूम नहीं है तो प्लस वाई कर दूँ। अब यहाँ पर हमेशा जब मालूम ना हो खूब कह रहा माइनस, लेकिन क्या माना करो, प्लस माना करो। अगर प्लस मानेंगे प्लस आएगा वृद्धि, प्लस मानेंगे माइनस आएगा तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस दस वाई बटे कितना आ जाएगा 100। हमने क्या बताया, अगर आपको दिया नहीं तो हमेशा प्लस मानेंगे, प्लस में प्लस आएगा वृद्धि होगी, प्लस में माइनस आएगा तो क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, बात क्लियर हो पा रही है? अब हमारा यहाँ पर कितना कर रहा था टोटल में क्या कह रहा है, तो 25% वह कम हो जाता है, माइनस 25% कम हो जाता है वह एक्सपेंडिचर। यहाँ से गुणा भाग कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 उस तरफ जाएगा, तो वाई माइनस वाई बटे 10 बराबर वहाँ जाएगा कितना बचेगा, माइनस 15। 10 एक कितना बचेगा, नो वाई बटे 10 बराबर माइनस 15, 3 तिरका 9 ये माइनस 15, 3 पाँच 15, वाई बराबर 50/3 माइनस 50/3 बराबर माइनस 16 सही 2/3%। माइनस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का मतलब कमी होगी, माइनस का मतलब क्या होगा, कमी होगी। माइनस 16 सही 2/3% हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इसको सवालों को अच्छा है, 13 नंबर सवाल, नंबर सिस्टम से लिया गया है। वो कह रहा है तीन अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं जिसके सभी अंक विषम हैं, तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके जिसके सभी अंक विषम हैं। देखो विषम अंक कौन कौन से होते हैं, विषम अंक कौन कौन से, 1, 3, 5, 7 और तीन अंक की संख्या बनाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तीन अंक की संख्या ना, गिनने मत लगना वहाँ पे बैठ के गिनना लग शुरू करो। कितने अंक आ सकते हैं इसमें, 1 आ सकता है 3 आ सकता है 5 आ सकता है 7 आ सकता है और 9, कितने अंक आ सकते हैं इसमें, 5 1 2 3 4 5, पांच प्रकार से अंक इसमें भर सकते, नहीं भर सकते, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या सॉरी 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9, मतलब विषम संख्या आएंगी। कौन आएगा, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा और 9, पांच प्रकार। इसी प्रकार से ये भी भर सकता है, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा और 9 आएगा, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा और क्या आएगा 9 आएगा, पांच प्रकार से इसको भर सकते, पांच प्रकार से 125 आ जाएगा आंसर, 125 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस तरीके से, मतलब एक लाइन के सवाल होते हैं, अगर आपको आ गए तो आ गए, नहीं तो आप नहीं आता तो नहीं आएगा, हो पाएगा। अगला देखिएगा 14 नंबर, एक डिविजिबिलिटी से सवाल लिया गया है, नंबर सिस्टम का ये भी है। कह रहा 4M 3709 42 9 42 6 7 N, 8 और 11 से विभाज्य, मतलब 8 और 11 कैसी प्राइम संख्या, दो को प्राइम संख्या है, 8 और 11 कैसी हैं आपकी को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या, कई संख्या है सह अभाज्य संख्या है। तो 11 से अलग से देख लेंगे और 8 से अलग से देख लेंगे, तो पहले 8 से देख लो, 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक या तो 0000 होंगे या 8 से विभाज्य होंगे, तो संख्या किससे विभाज्य होगी आपकी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अंतिम तीन अंक की बात कर रहा है। ठीक है, अंतिम तीन अंक की बात कर रहा है, अंतिम तीन अंक, तो हम यहाँ पर 6, 7 और n में अगर 8 का भाग दें तो आप देखें 8 8 64 कितना बचेगा, 3, यहाँ कितना आना चाहिए, 8 का भाग चला जाए 2 आना चाहिए, n बराबर कितना आ जाएगा, 2, n बराबर हो जाएगा 2, 8 4 कितना हो जाएगा 32। अगर आपने n बराबर 2 निकाल दिया तो आप देखो बहुत, एक ही ऑप्शन में n बराबर 2 है, सी वाले ऑप्शन में, तो m निकालने कोई आवश्यकता नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निकालेंगे कैसे उसको और देख लो, 11 की विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या हो आपका, या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, 11 22 इस तरीके से, तो वहां पे संख्या किससे विभाज्य होगी, 11 से।
हम क्या है कि भी यहाँ लगा के दिखा दे रहे हैं, आंसर तो सी आ जाएगा, पता चल गया। यहाँ पे एन और आर कितना आ गया, दो आ गया, दो छः आठ, आठ और चार बारह, बारह और जीरो, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह और चार कितना हो जाएगा उन्नीस, पंद्रह चार कितना हो जाएगा उन्नीस। अब इसके अल्टरनेट ले लो, दो सात और दो नौ, नौ और नौ अठारह, अठारह और सात, अठारह सात पच्चीस, पच्चीस प्लस एम, पच्चीस प्लस एम माइनस इतने बराबर कितना आया जीरो। तो अगर हम देखें तो एम कितना हो जाएगा प्लस, एम प्लस कितना बचेगा उन्नीस और छः पच्चीस बराबर जीरो। अगर जीरो लिखेंगे हमें बताया जीरो होगा या अंतर ग्यारह का कोई गुणज होगा, ग्यारह बाईस तैंतीस इस तरीके से होगा। तो एम बराबर माइनस छः तो हो नहीं सकता, एम बराबर माइनस छः हो सकता है। देखो यहाँ पर कौन कौन चीज़ें नहीं हो सकती हैं इस स्थान पर, क्या क्या नहीं हो सकता है। एक पहली कंडीशन, डबल डिजिट नहीं हो सकता, एम का मान दस आ जाए, ग्यारह आ जाए, बारह, क्योंकि डिजिट सिंगल डिजिट की बात कर रहा है पहला काम। दूसरा भिन्न में नहीं आ सकता, दो सही तीन बटे पांच नहीं आ सकता, दशमलव में नहीं आ सकता, बात क्लियर हो पा रही। माइनस में नहीं आ सकता, एम का मान माइनस में आने लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे नहीं है तो जीरो के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, इसका दूसरा टर्म ले लेंगे ग्यारह ले लेंगे। तो ग्यारह लेंगे तो एम बराबर कितना आएगा, ग्यारह माइनस छः बराबर कितना आ जाएगा पाँच, कितना आ जाएगा पाँच। तो सी ऑप्शन सही, एम बराबर पाँच और एन बराबर दो हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पंद्रह नंबर। वो कह रहा है पंद्रह नंबर में चौबीस छियालीस पंद्रह पैंतीस और x का जो माध्य है, जो मीन है, वो कितना है बावन है। माध्य कितना है बावन है। अगर भाई ये बावन मीन है तो इसको सबको जोड़ दो, चौबीस प्लस छियालीस प्लस पंद्रह प्लस पैंतीस प्लस x बटे कितना तीन और दो पाँच बराबर बावन। क्या हो जाएगा, पाँच पाँच दस, दस छः सोलह, चार बीस, दो तीन पाँच और एक छः, चार दस, दस दो बारह, एक सौ बीस प्लस एक्स बराबर हो जाएगा पाँच दूनी दस, पचम पच्चीस और एक छब्बीस दो साठ, एक्स बराबर हो जाएगा कितना एक सौ चालीस। कितना हो जाएगा एक्स बराबर एक सौ चालीस, बात क्लियर हो पा रही। अब एक्स बराबर एक सौ चालीस आ गया, आगे क्या कहा गया है सवाल में, कह रहा है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है इसकी, x है क्या नहीं है, इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी 140। आगे क्या लिख रहा है, 50 84 93 113 और x के माध्य बीच का अंतर, फिर एक माध्य निकालना कह रहा है 50 84 और 93 113 93 113 प्लस x मतलब कितना 140। एक दो तीन चार पाँच, अब कितना आ रहा है इसका एवरेज, इसका एवरेज जो आया है वो पूछा गया है कितना, इसका कि एक्स पचास चौरासी तिरानवे एक सौ तेरह और एक्स की मध्य का अंतर, अच्छा एक्स का एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकाल लेंगे, जोड़ लो सबको, तीन 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 छः चार दस, दस का एक हो जाएगा पाँच, पाँच और एक छः, छः नौ छः पंद्रह, पंद्रह और आठ कितना हो जाएगा पंद्रह और आठ तेईस और पाँच अट्ठाईस, कितना आ जाएगा चार सौ अस्सी, अट्ठाईस दो एक तीन एक चार सौ अस्सी बटे कितना आ जाएगा पाँच, पाँच नौ पैंतालीस, तीन पाँच छक्का तीस, छियानवे आ जाएगा। इसमें एक्स में और इसमें अंतर पूछ रहा था, तो क्या पूछ रहा था बेटा हमसे, एक्स माइनस छियानवे, एक्स का मान कितना हमारे पास आया था 140 माइनस छियानवे, आंसर आएगा 44, आंसर कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लिखा गया है आपका सत्रह नंबर सोलह नंबर, कह रहा है 560 छात्र वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है,
और कह रहा है लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि स्कूल की औसत आयु, स्कूल की औसत आयु मतलब स्कूल के बच्चों की औसत आयु 11 साल 9 महीने है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी। भैया लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 है, एलिगेशन से लगा ले रहे 12 है। लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 11 है, और बच्चों की स्कूल आयु कितनी है, 11 सही जो 11 वर्ष 9 महीने का लिख सकते हम लोग, 11 सही 9 बटे 12, 3 तिरकनों 3 चौको 12, 11 4 44, 44 3 कितना आ जाएगा 47 बटे 4, कितना आ जाएगा 47 बटे 4, 47 बटे 4। अब एलिगेशन लगाने के लिए देखो सब में डेनोमिनेटर कितना 4 है, सब में 4 4 से गुणा कर दूँ, एलिगेशन लगा सकते हैं कोई समस्या नहीं, सब अनुपातिक वैल्यू है। तो अब कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा 47, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, 47 में से अगर 44 जाएगा, 47 माइनस 44 और यहाँ 48 माइनस 47, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 3, यहाँ हो जाएगा 1, 3 अनुपातिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 अनुपातिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो पूछा तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है मिटाया जाए इसको। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, 560 छात्र हैं, टोटल 560 हैं, लड़कियों की संख्या 560 का कौन सा भाग होगा, एक, एक बटे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 14 चौके 56 140, लड़कियों की संख्या 140, लड़कियों की संख्या 140 है, तो कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलिए 17 नंबर, तीन मोबाइल फोन एक वॉकमैन का मूल 80,000 रुपये है, तीन मोबाइल फोन और एक वॉकमैन का मूल कितना है 80,000 है, और कह रहा है पांच मोबाइल और दो वॉकमैन का मूल कितना है 150,000, 150,000। तो पूछ रहा एक मोबाइल का फोन क्या, मोबाइल का फोन निकालना, इसका मतलब वॉकमैन के डिलीट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस वाले में कितना गुणा कर दो, 2 का कर दो, 2 × 3 = 6 प्लस 2W प्लस 80 × 2 = 160, 160,000 घटा दो ऊपर वाले को, कट जाएगा m बराबर हो जाएगा 160,000 से 150,000 जाएगा, 10,000 बचेगा, याद रखना कि ए ऑप्शन मत लगा देना क्योंकि वहाँ पे 1,00,000 है, क्या होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा 10,000 वाला, ठीक है ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 का डी। 19 नंबर, इसका 18 नंबर देखिएगा, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 9 उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता परीक्षण अंक निम्नलिखित प्रकार से हैं, लिया गया कौन कौन से अंक हैं, 3, 7, 6, 5, 6, 4, 9, 6 और 5, क्या इसका मोड ऑफ स्कोर्स निकालिए, मोड तो बहुलक होता है, बहुलक किसे कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है 6 की, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो इसका जो मोड होगा वो कितना होगा 6 होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसे मोड कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज ग्राफ नहीं आया ना, 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर सवाल में एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, अच्छा रंगों की जो डाई होती है जिससे अपन लोग कलर करते हैं वो 2:5 बनाया गया, बड़ी बड़ी मशीन कंपनी में लगी रहती है, डाई कहलाता है छापे की छापने के वाले, 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, यदि डाई में लाल रंग की मात्रा 25% बढ़ा दी जाए, पहले तो आप ऐसा करिएगा जी आपका क्या है, ये आपका है लाल और पीला, ये रेड है, ये क्या है आपका येलो है, इसको हम 200 मान ले रहे हैं, इसको कितना मान ले रहे हैं 500, अब हमारा ऐसा भी रेशियो है भाई, ऐसा भी ना सकते ठीक है। अब वो कह रहा है यदि डाई में लाल रंग की मात्रा 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 1/4 कितना होगा 50 होगा, इसमें 25% बढ़ा दो तो 25% बढ़ाएंगे इसमें कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। वो कह रहा तो बनाने में
डाई में पीले रंग की प्रतिशत कितना होगा। अब भाई ये तो जो करते हो अभी हमारे पास 500 का कितना है 500 है, अब हमारे पास 250 और ये कितना हो गया 500, तो येलो रंग की जो प्रतिशतता होगी 500 बटे कितना हो जाएगा 5 × 2 = 750 गुणा 100% 25 × 75 और 25 × 2 = 50 0 0 कट जाएगा 200/3 आएगा 200/3 मतलब हो जाएगा 66.66% 66.66% बात क्लियर हो पा रही है। एक सवाल और देखिए 20 नंबर। लिखा गया एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी क्या करता है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो 16/2/3% का लाभ होता। वस्तु क्रय मूल्य बताइए। ऐसे सवालों का बहुत अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप पुराने वाले सीपीयू को 100x मान लो, 100 भी मानो x भी मानो, अब इसका SP कितना हो जाएगा 110x हो जाएगा। 10% लाभ पर बेचा जा रहा था तो कितना हो जाएगा 110x, कितना हो जाएगा 110x। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, अब नया सीपी जो है वो कह रहा है अगर वो इसको 10% कम पर खरीदता कितने में खरीदता 90x में, कितने में खरीदता 10% कम में मूल्य में खरीदता तो 90x में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता। यहाँ देख लो 2 रुपये कम में बेचने का मतलब 2 रुपया कम में बेच रहा है, 2 रुपये कम क्या होगा 110x माइनस कितना हो जाएगा 2 रुपये। बात करो भाई 110 − 2 रुपये तो उसे 16/2/3% लाभ होता है। यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ होता है 16/2/3% का, 16/2/3% मतलब कहलाता है 1/6 का लाभ होता है। 1/ क्या होगा 1/6 का लाभ होगा मतलब 90x का 7/6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर 1/6 का लाभ हो रहा 6 में कितने का लाभ हो रहा 1 का 7/6 बराबर हो जाएगा 110x माइनस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम 9/7/63 है ना, यहाँ कितना करते 9/7/63 630x रहा 11/6/66 660x और माइनस कितना हो जाता 12, ठीक है यहाँ जाएगा कितना 12/30x x बराबर 6/5 30 6 × 12 x की जो वैल्यू आती वो आती 2/5। क्या पूछा गया है वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य वास्तविक वाला होता है ये वाला पूछा जाता है तो हमें 100x चाहिए था सीपी, 100x तो 100x के स्थान में हो जाएगा 100 × 2/5 5 × 20 = 20 कितना आ जाएगा 40 रुपये, कितना हो जाएगा 40 रुपये। इसके और भी तरीके रेशियो वाले से भी लगा सकते हैं लेकिन ये सबसे ठीक तरीका हमको लगता है। इस पर कोई भी सवाल कैसा भी आएगा आपको वहाँ पे क्या हो जाता है बन जाता है। तो ये थे आज का 20 सवाल और इसका सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच।